विशाल जादुई सोने का दिया। 7 बरस का राजू अपनी बूढ़ी दादी फुलवा के साथ दादरपुर गांव में रहा करता था। उनके जीवन घनघोर गरीबी से गुजर रहे थे। जिस उम्र में बूढ़ी फुलवा को आराम की सख्त जरूरत थी, उसके बूढ़े कंधे पर राजू की जिम्मेवारी थी। फुलवा एक घर में बर्तन चौके का कामकाज करती थी, मगर वह परिवार सदा के लिए शहर को पलायन कर गए। ऐसे में फुलवा के घर दाने दाने के भी लाले पड़ गए। हे सृष्टि के रचयिता, मुझ बुढ़िया को और कितने दुख देना शेष है। मेरी आंखों के सोझे मेरे बेटे और बहू को उठा लिया, उस पर भी मैंने ही आव ना छोड़ा, और इस बढ़ते बुढ़ापे में भी बर्तन चौका करके अपने पोते का पेट पाल रही थी, मगर अब तो वो आसरा भी छिन गया। गरीब फुलवा का दर्द उसकी बूढ़ी आंखों की गगरी से छलक रहे थे। तभी राजू दौड़ते हुए उसके पास आता है। दादी दादी, दीपावली आने वाली है। मेरे सभी दोस्त दीपावली के दिन पर नए कपड़े पहनने वाले हैं। इस दीपावली पर आप मुझे भी नए कपड़े और पटाखे दिलाएंगी ना? दीपावली का जिक्र सुनकर फुलवा के मन में आस का दिया जल उठता है और वह धीमे स्वर में खुद में बुदबुदाती हुई कहती है, दीपावली आने वाली है, क्यों ना मैं नदी तट से माटी लाकर दिए बनाकर बेचूं? इससे मैं इतना दाम तो जोड़ ही लूंगी कि अपने पोते को दीपावली पर एक आध जोड़ी कपड़े दिलाकर उसके लिए पूरी पकवान बना सकूं। बूढ़ी फुलवा नदी के तट से मिट्टी से भरी टोकरी माथे पर लादकर उसे अपने घर लाकर मिट्टी के दिए बनाती है। दादी, आप दीपावली के दिए क्यों बना रही हैं? राजू, क्योंकि दीपावली का महत्व दियों से है। इन दियों को बनाकर हम दोनों दादी और पोते इन्हें बाजार में बेचेंगे। दाम के तौर पर बदले में जो 4 पैसे मिलेंगे, उसे दादी दीपावली के लिए राजू को बम पटाखे, मिठाई और कपड़े दिलाएगी। सच्ची? तब तो मैं भी दीपावली के दिए बनाने में आपकी मदद करूंगा। दोनों मिलकर मिट्टी को रौंद कर दिए बनाना शुरू करते हैं, जिसके बाद वह उन दियों को बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं। गरीब राजू बुलंद आवाज से लोगों को बुलाता है, आओ आओ चाचा काका, ले जाओ मिट्टी के मनमोहक दीपावली के दिए एकदम सस्ते दाम पर। कुछ देर बाद, दादी कोई भी हमारे बनाए दिए क्यों नहीं खरीद रहा? अगर हमारे बनाए दियों की बिक्री नहीं होगी तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे? राजू धीरज धरो, माँ लक्ष्मी ने चाहा तो हम गरीब के घर भी दीपावली होगी। राजू और फुलवा की बूढ़ी आंखें लगातार लोगों के आने की बाट जोहते हैं, मगर बदकिस्मती से उनके एक भी दियों की बिक्री नहीं होती, जिसके बाद वह देर रात घर आते हैं। राजू के सो जाने के बाद फुलवा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा से बातें करती है। हे माँ लक्ष्मी, पुराने दौर में जिस माटी के दियों से दीपावली की अमावस की काली रात को जिन मिट्टी के दियों से रोशनी भर जाती थी, आज नए दौर में बिजली के दिए आ जाने के चलते इन माटी के दियों का कोई मोल न रहा। ऐसे में बेबस बुढ़िया अपने पोते की दीपावली की ख्वाहिश को कैसे पूरी करेगी? उस गरीब बुढ़िया के आंसू माँ लक्ष्मी के चरणों को धो रहे होते हैं। रोते बिलखते उसकी आंख लग जाती है। वह हर दिन एक बड़ी आस लिए अपने बनाए दीपावली के दियों को बाजार में लेकर आती, और आखिरकार दीपावली के एक दिन पहले उसके कुछ दिए बिक जाते हैं। देर रात वह दोनों घर आते हैं। केवल 200 रुपए के ही दिए बिके, समझ नहीं आ रहा कि इतने में राजू के लिए कपड़े लेकर आऊं या ये दीपावली पर उसके लिए पूरी पकवान बनाऊं। दादी, अभी मेरे पुराने कपड़े और दिन चलेंगे, इसे आप दीपावली पर पकवान बनाना, उसे हम दोनों दादी पोते अच्छा पकवान तो खा सकेंगे ना। दीपावली के दिन फुलवा उन पैसों से पहले माँ लक्ष्मी की दीपावली पूजन के लिए फूल फलाहार मोल लेने के बाद बचे कुचे पैसे से पकवान बनाने की सामग्री खरीद कर दीपावली के सांझ पकवान बनाती है। और राजू पकवान खाने की बाट जो रहा था कि उसी बीच एक भिखारन उसके द्वार पर आ खड़ी होती है। अरे कोई मुझ भूखी को कुछ खाने को दे दो, कई दिनों की भूखी हूँ, दीपावली का दान समझकर ही कुछ रूखा सूखा खाने को दे दो। भिखारन की दुबली दुर्दशा देखकर फुलवा का मन भाव विभोर हो जाता है, जिसके बाद वह अपने हिस्से का पकवान उसके आगे परोस देती है। खा चुकने के बाद भिखारन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपने दीपावली के पर्व पर मुझ भिखारन को भोजन कराया, मैं इस भोजन ऋण तो नहीं चुकता कर सकती, मगर चाहूंगी कि आप ये दिया रख लें, मगर आप आज दीपावली पर ये दिया बाती जलाएंगी तो मुझे खुशी होगी। भिखारिन बूढ़ी फुलवा को दिया देकर चली जाती है। वह दिया देखने में बेहद आकर्षक था,
दादी माँ, यह मिट्टी का दिया हमारे दियों से कितना ज्यादा सुंदर है। लग ही नहीं रहा कि मिट्टी का दिया है। आज दीपावली पर हम यही दिया माँ लक्ष्मी के सामने जलाएंगे। राजू उस दिए को माँ लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष रखकर जैसे ही उस दिए में ज्योति बाती जलाता है, दिए की लौ से एकाएक तेजोमय प्रकाश जागृत होती है और वह दिया जादुई विशाल सोने के सांचे में बदलकर उस गरीब के घर को सुनहरी रोशनी से भर देता है, जिसके साथ सुनहरे लौ से सोने के सिक्कों की बौछार बरस पड़ती है। ये सब कैसे हो सकता है? ये साधारण दिया एकदम से जादुई विशाल सोने के दिए में कैसे बदल गया? फुलवा सोच ही रही थी कि अचानक उसकी निगाह जमीन पर पड़े गहरे लाल रंग के छाप पर जाती है। सूरज की लालिमा के समान पांव के छाप, ऐसे निशान तो केवल माँ लक्ष्मी के चरण कमल के होते हैं। इसका मतलब वो धन की देवी माँ लक्ष्मी ही थी जो भिखारन का भेष धरकर मेरे घर आई थी। अचानक प्रतिमा के भीतर से माँ लक्ष्मी प्रकट होकर कहती हैं, फुलवा, इतने दुखदाई सफर में मेरे प्रति तुम्हारी आस्था डावाडोल ना हुई, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और दीपावली के उपहार स्वरूप मैं ये जादुई विशाल सोने का दिया तुम्हें देती हूँ। इससे तुम्हारे घर की दुख दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। ये जादुई दिया तुम्हारे हरेक मांगों की पूर्ति करेगा। जादुई विशाल सोने के दिए का पुख्ता प्रमाण बताकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद राजू बोलता है, मेरे जादुई विशाल सोने के दिए इस दीपावली के मौके पर मुझे 56 भोग और खूब सारी मिठाइयाँ मुहैया कराओ। राजू के इतना कहते ही साधारण मिट्टी का दिया एक बार पुनः जादुई सोने की विशाल दिए में बदल कर अपने भीतर से भांति भांति की मिठाइयाँ और 56 भोग से भरी पूरी थाली उनके आगे परोस कर साधारण दिए में बदल जाता है। मेरे पास पहनने को नए कपड़े भी नहीं हैं। ए जादुई सोने का विशाल दिया, क्या तुम मुझे इस दीपावली पर अच्छे कपड़े दे सकते हो? एकाएक वह दिया दोबारा से अपना जादुई विशाल अवतार दोहराता है। उसके भीतर से रंग बिरंगे कपड़े की बौछार बरस जाती है। राजू खुशमन से नए कपड़े पहनकर तैयार होकर कभी मिठाई खाता तो कभी अपने कपड़े को निहारता। उसके चेहरे पर खुशियों की खिलखिलाहट देखकर फुलवा कहती है, हे माँ लक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझ गरीब के घर में दीपावली का हर्ष होगा, मगर आपकी कृपा दृष्टि से आज मुझ गरीब के घर में भी दीपावली के दिन खुशियों ने दस्तक दी है। ये सब कुछ केवल आपके द्वारा दिए गए इस जादुई विशाल सोने के दिए से संभव हुआ है। अपने पोते को इतना खुश देखकर मुझ बुढ़िया का दिल बाग बाग हो उठा है। आज दीपावली के स्वर्णिम अवसर पर मुझ दिन दुखियारिन के घर से ना केवल दुख और दरिद्रता दूर हुई, बल्कि मुझ बुढ़िया के मन में बसे आपके दर्शन को आतुर बरसों की आस भी पूरी हो गई। इसके बाद फुलवा अपने बनाए मिट्टी के दियों में तेल उड़ेल कर उन्हें घर के दीवट पर सजा देती है और हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाती है। जादुई विशाल सोने के दिए से अब फुलवा के हाथ किसी से कुछ लेने को नहीं बल्कि देने को उठा करते थे। वह हर एक दीपावली पर उस जादुई विशाल सोने के दिए से गरीब लोगों की दीपावली को खुशियों से भरा करती थी। गाँव की गरीब दर्जी बहु। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। मुझे तो थान का कपड़ा लेकर आना था। कल तक मुझे ये ऑर्डर किसी भी हालत में देना था। अब मैं क्या करूं? चंचल बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पति जितना भी कमाता अपनी शराब में उड़ा देता। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। बेचारी चंचल अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए दर्जी का काम किया करती थी और कभी कभी शादियों के ऑर्डर भी लिया करती थी। अगले दिन उसको एक शादी का ऑर्डर पूरा करके देना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हे राम जी, थोड़ी सी तो मुझ पर मेहरबानी कर दो, कुछ देर के लिए इस बरसात को रोक दो। चंचल ऐसा कह ही रही थी कि अचानक से बारिश अपने आप धीरे होने लगती है, जिसके बाद चंचल अपनी छतरी लेकर एक दुकान पर जाती है और वहाँ से थान के कई सारे कपड़े खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर पूरी रात सिलाई करती रहती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो कपड़े ही सिल रही होती है कि तभी शादी के घर से उनका एक नौकर आता है। अरे बहन जी, अभी तक आपने कपड़े सिले या नहीं? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये लीजिए, मैंने सारे कपड़े अच्छे से सिल दिए हैं, अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। अरे बहन जी,
कैसी बात कर रही हो? पहली बात तो हमारे पूरे गांव में आप ही बढ़िया दर्जी हो, आपके काम में तो कोई कमी ही नहीं है। नौकर की इतनी तारीफ सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। नौकर तुरंत चंचल को सभी कपड़ों के पैसे पकड़ा देता है, जिसके बाद चंचल सारे कपड़े उसे दे देती है। नौकर सारे कपड़े लेकर शादी में पहुंच जाता है और सबको उनके कपड़े दे देता है। सभी अपने अपने कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चंचल बहुत ही मन लगाकर सिलाई का काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे रोज सिलाई करके बेचारी चंचल अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन अचानक से रात के समय उसका पति खूब सारी शराब पीकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ चंचल, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ पर आ। हे भगवान, कितनी शराब पी ली है आपने, जरा अपनी हालत तो देखो, खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? तभी प्रकाश उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे ओ कुल्टा, अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे शराब पीने के लिए टोकेगी? जाकर मेरे लिए खाना डाल, नहीं तो यही तेरी खाल में भूस भर दूंगा। चंचल बेचारी रोती हुई प्रकाश के लिए खाना डालकर लाती है, जिसके बाद प्रकाश एक तरफ खाना खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसको देखकर उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि चंचल को ही रसोई में ले जाकर उससे कहने लगती है, कल मुही करम जली कहीं की, तेरी वजह से ही मेरा बेटा इतनी शराब पी कर आया है। लेकिन माँ जी, मैं भला उनको शराब पीने के लिए क्यों कहूंगी? पता नहीं क्यों प्रकाश जी हमेशा पी कर आ जाते हैं। अरे मर्द की डोर औरत के हाथ में होती है, और तूने तो पूरी डोर पता नहीं किसके भरोसे छोड़ रखी है। यही हालत रही तो मुझे तो अपने बेटे की शादी किसी और से करवानी पड़ जाएगी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मेरे होते हुए आपको अपने बेटे की शादी किसी और से करवाने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे का ख्याल रख, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। बेचारी चंचल बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बिना कुछ खाए सो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है, जिसके बाद वो घर का काम करने लगती है। घर का काम करते समय उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसकी दोस्त अनुराधा खड़ी होती है। अरे चंचल, कैसी हो तुम? काफी दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। अरे अनुराधा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, अभी तक तुम कुंवारी हो, शादी नहीं कर रही हो क्या? अरे सारी बातें तुम दरवाजे पर ही खड़ी करके पूछ लोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? चंचल अनुराधा को अंदर बुलाती है, जिसके बाद अनुराधा चंचल से कहती है, अरे शादी तो तब करती ना जब कोई मेरी टक्कर का लड़का मिलता, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल गया है, और अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। ये देख, ये शादी का कार्ड है, एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के सारे कपड़े तुम ही सिलो, क्योंकि तुम्हारी जैसी सिलाई यह इस गांव में कोई नहीं करता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिलूंगी। और ये लो, ये बनारसी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मेरी शादी में तुम्हें यही पहननी है। तुम बहुत अच्छी हो अनुराधा, इस साड़ी के लिए शुक्रिया। कुछ देर मिलने के बाद अनुराधा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद चंचल घर के काम खत्म करके अपनी दोस्त अनुराधा के कपड़े सिलती है, जिसके बाद अनुराधा चंचल को उसकी मेहनत के पैसे दे देती है। चंचल उन पैसों को बैंक में ले जाकर डाल देती है, लेकिन इस बात की भनक गायत्री तक पहुंच जाती है, जिसके बाद गायत्री अपने बेटे प्रकाश से कहती है, अरे बेटा, तेरी बहू तो बहुत ही सयानी है, हम लोगों से पैसा छुपाकर बैंक में जमा कर रही है। अरे हम क्या उसका पैसा खा जाएंगे जो इस तरीके से कर रही है? अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रकाश आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, इस दो कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत, इसे तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। रात होते होते प्रकाश खूब सारी शराब पी लेता है, और जैसे ही रात को चंचल खाना बनाकर प्रकाश को देने आती है, प्रकाश उसके हाथ से खाने की थाली गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अजी अजी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? भला मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से पैसे छुपाकर बैंक में जमा करेगी? रुक,
तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, अगर कल के कल मुझे सारा पैसा तूने हाथ में लाकर नहीं दिया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रकाश अपनी बेल्ट से चंचल को बहुत देर तक मारता रहता है, जिसके बाद चंचल बेहोश हो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है चंचल को होश आ जाता है और वो अपने आप को शीशे में देखकर रोने लगती है कि तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ आप क्यों पिताजी के इतने अत्याचार सह रही हो, चलो यहाँ से कहीं दूर चलो जहाँ पिताजी और दादी माँ ना हो। हाँ माँ हमें कहीं दूर ले चलो माँ, अब यहाँ हमें रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर बेचारी रोने लगती है और उन्हें सीने से लगाकर घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले बैंक से अपने कुछ पैसे निकालकर एक किराए पर घर लेती है और एक सिलाई की मशीन, जिसके बाद वो दर्जी का काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते उसका दर्जी का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके बलबूते वो अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगती है। एक दिन चंचल मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाती है। हे ऊपर वाले, तुमने आखिरकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा ही दी, कई रात अंधेरे की देखने के बाद आज तूने मुझे उजाला दिखा ही दिया, तेरा बहुत उपकार हो भगवान, तेरा बहुत उपकार हो। जैसे ही पूजा खत्म करके चंचल मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसे उन सीढ़ियों पर उसका पति प्रकाश और उसकी सास गायत्री भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो दोनों चंचल को देखते हैं, वो दोनों चंचल से कहते हैं, अरे बहू तू कहाँ चली गई थी हम लोगों को छोड़कर, देख तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल हो गया, अरे हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंचल मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वापस घर आ जाओ। उन दोनों की हालत देखकर चंचल उनसे कहती है, जो इंसान तब मेरे नहीं हुए जब मुझे उनकी जरूरत थी तो अब मेरे क्या होंगे, तुम दोनों केवल मतलबी हो, तुम ही तुम्हारी गलती का कोई पछतावा नहीं है, आज तुम्हें मेरी जरूरत है इसलिए तुम मुझे पूछ रहे हो, वरना मैं कहाँ मर रही हूँ कहाँ जा रही हूँ तुम दोनों ने कोई खबर भी नहीं ली अब तक। अब मैं अपनी जिंदगी में अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और गायत्री को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। भूतिया बाप बेटे की पाव भाजी। भूतिया बाप बेटे कमलेश का कॉलर पकड़कर कहते हैं, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, उसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा। मार डालो इसे। अरे मैं तुम दोनों के पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। मरने की इच्छा तो हमारी भी नहीं, पर आखिर तूने हमें मार ही डाला ना। देखो मुझे एक मौका दे दो, तुम्हें जो चाहिए ना मैं वही दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जान की भीख मांगते हुए कमलेश के बोलते ही वो दोनों भूत उसे हवा में उछालने लगते हैं। आखिर इस आदमी को परेशान क्यों कर रहे हैं और वो उनसे किस चीज की माफी मांगता है, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। ढोलकपुर गांव में रमाकांत अपनी पत्नी उषा, 7 साल के बेटे लालू और बूढ़ी माँ वसुंधरा के साथ रहता था। रमाकांत खाना बनाने में बेहद माहिर था, इसलिए वो खाने की चीज बनाकर गांव में बेचता था, पर यहाँ उसकी कोई बिक्री नहीं होती थी, इसलिए उसने तय किया कि अब वो शहर जाकर पाव भाजी बनाकर बेचा करेगा। ऐसे ही सुबह के समय, उषा अब उदास होना बंद भी करो, क्या मुझे ऐसे मन से शहर भेजोगी? हाँ जब मैं तुम्हें शहर में याद करूंगा तो मुझे सिर्फ तुम्हारा दुखी चेहरा दिखाई देगा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मुस्कुराहट के साथ शहर भेजो ताकि मेरा काम काज जम जाए। आप सही कहते हैं, मुझे आपका मन उदास नहीं करना चाहिए, अब मैं पूरी कोशिश के साथ आपको शहर भेजूंगी, देखना आपकी पाव भाजी बहुत चलेगी वहाँ, आप बनाते ही इतना अच्छा है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर उषा। पापा पापा मैं भी आपके साथ बड़े शहर में जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी उधम नहीं मचाऊंगा। नहीं बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, माँ के साथ ही रहो, मुझे वहाँ पर काम जमाना होगा तो मैं आपको लेकर नहीं जा सकता बेटा।
नहीं 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 नहीं, मुझे पापा के साथ जाना है, तो मतलब जाना है, मैं पापा के बिना नहीं रहूंगा। लालू जिद नहीं करते, तेरे पापा को काम बसाने दो, फिर हम भी वहाँ जाएंगे। हाँ बेटा, मम्मी की बात सुनो, और उषा मैं तुम्हें पैसे वहाँ से भिजवाता रहूँगा, तुम निश्चिंत रहना। जी ये लीजिए आपके खाने का डिब्बा, मैंने आपका खाना बांध दिया है। हाँ चलो अच्छा है, तुमने खाना बना कर दे दिया, तुम्हारे हाथ के बने खाने को मैं याद जो करूँगा। माँ कहाँ है? ये रही बेटा, ये ले दही शक्कर खा, भगवान तेरे काम को तरक्की पर पहुँचाए। शुक्रिया माँ। पापा मुझे आपके साथ जाना है, मुझे बहुत याद आएगी, माँ के साथ नहीं रहना, ले चलो ना मुझे, ले चलो पापा। सुनिए ये इतना कह रहा है तो ले जाइए ना, वरना यहाँ मुझे बहुत परेशान कर देगा। हाँ बेटा ले जा। रमाकांत अपनी माँ के हाथ से दही शक्कर खाकर अपने बेटे को लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन में सफर करके शहर में एक अच्छी जगह ढूंढ कर वहाँ रहता है और पास में ही पाव भाजी की दुकान खोल लेता है और कहता है, अरे भगवान आपके नाम से मैं अपने पाव भाजी की दुकान खोल रहा हूँ, इसे अच्छे से चला देना। अब रमाकांत जैसे ही पाव भाजी बनाता है तो उसकी खुशबू लोगों को तंग करने लगती है और लोग एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं। अरे गर्मा गर्म पाव भाजी, बटर पाव भाजी, मुंबई मसाला पाव भाजी, बटर मसाला पाव भाजी, आइए आइए मशहूर पाव भाजी खाइए। आओ आओ सब पाव भाजी खाओ, अरे मेरे पापा बहुत अच्छा पाव भाजी बनाते हैं, आओ आओ एकदम मक्खन डालकर। अरे भैया जरा मुझे भी एक प्लेट पाव भाजी देना, आपकी पाव भाजी की खुशबू बहुत दूर तक आ रही है। लीजिए लीजिए लीजिए। अंकल मुझे एक प्लेट स्पेशल पाव भाजी देना। हाँ ये लो ना बेटा खाओ, और बताना जरूर कि कैसी बनी है। रमाकांत की दुकान पर आए एक एक कस्टमर उसके हाथ की बनी पाव भाजी खाते हैं और कहते हैं, अरे अंकल मजा आ गया, ऐसी पाव भाजी तो मैंने किसी होटल और नहीं खाई, वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ अंकल आपने बहुत अच्छी पाव भाजी बनाई है, मैं तो सोच रही हूँ अपनी बहन की शादी का ऑर्डर आपको ही दे दूँ, लोग आपके हाथ की पाव भाजी खाकर पागल ही हो जाएंगे। अरे अरे बेटा ऐसे मत बोलो, हम ऐसी पाव भाजी नहीं बनाते कि सब पागल हो जाएंगे। अरे अंकल मेरा मतलब था कि आपके हाथ की पाव भाजी खाकर सब दीवाने हो जाएंगे। ओहो ऐसी बात की बेटिया, ये लो मेरी तरफ से एक और पाव भाजी खाओ। शुक्रिया अंकल, मेरे लिए दो प्लेट पैक भी कर दो। हाँ हाँ जरूर बेटा। पहले दिन ही मेरी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर लग रहा है कि मेरी यहाँ आकर बात बन गई है, अब तो उषा बहुत खुश होगी। खुशी से रमाकांत फूले नहीं समाते, ग्राहकों को देखकर उसे और जोश आ जाता है और दिन पर दिन उसके पाव भाजी बहुत बिकने लगते हैं। साथ ही लालू उसके छोटे छोटे कामों में मदद करा दिया करता था, तभी रमाकांत अपनी पहली कमाई घर भिजवा देता है। सुनिए जरा दो प्लेट पाव भाजी देना। हाँ हाँ जी ये लीजिए। 3 महीने बीत जाते हैं, उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, कम समय में ही रमाकांत पाव भाजी बेचकर खुद को मशहूर कर देता है। एक दिन वो पाव भाजी बेच रहा था कि कमलेश नाम का आदमी किसी के जेब काट रहा था, तभी रमाकांत उसे पकड़कर कहता है, अरे ये क्या करने जा रहे थे तुम, किसी की जेब काटना अच्छी बात नहीं है, हाथ पैर ठीक है काम नहीं कर सकते? साहब साहब मुझे माफ करना, मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मुझे माफ कर दो, मेरे पास काम धंधा नहीं है इसलिए मैं जेब काटने वाला था। अच्छा तुम पर कोई काम धंधा नहीं है, तो अब से तुम मेरी दुकान पर काम करना, मेरे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं और तुम्हारे खाने का भी प्रबंध हो जाएगा। शुक्रिया साहब। तभी रमाकांत उसे पाव भाजी खिला देता है और अपनी दुकान पर काम दे देता है। अब तीनों मिलकर पाव भाजी की दुकान का काम संभालते थे और लोगों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साथ ही रमाकांत अपनी पत्नी को पैसे भी भिजवा दिया करता था। 1 महीने बाद ही कमलेश के मन में लालच आ गया और उसने दुकान को हथियाने के लिए सोते हुए रमाकांत को मार डाला। ये होता हुआ लालू भी देख लेता है तो कमलेश उसे भी मार डालता है। तभी वो दोनों बाप बेटे भूत बनकर कहते हैं, दोस्त तूने सोते हुए नहीं बल्कि हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा है, तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। पापा
हम मर गए, अब हम दादी और माँ को पैसे कैसे भिजवाएंगे? हमारी पाव भाजी की दुकान तो इसने हथिया ली। बेटा, इससे हिसाब करना होगा हमें। अगले दिन से कमलेश उस दुकान पर खुद पाव भाजी बेचने लगता है और जो भी उसकी पाव भाजी खाता वो थूक देता था, क्योंकि उन बाप बेटों ने इसकी पाव भाजी में कुछ मिला। तभी मोहन आता है, वो पाव भाजी खाता है तो कमलेश के पीछे उसे दो भूत दिखाई देते हैं। कमलेश को वो दोनों भूत दिखाई नहीं देते, जबकि ये देखकर मोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, भूत, भूत, यहाँ से भागो। अरे मेरी पाव भाजी खाकर भाग गया, पैसे दे मेरे। ए, भाग क्यों गया? फिर से उस पाव भाजी की दुकान पर दो चार ग्राहक आते हैं, तभी दोनों भूत ग्राहकों को डराकर भगा देते हैं। जाओ यहाँ से, वरना मार दिए जाओगे। हाँ, कोई इसके हाथ की पाव भाजी नहीं खाएगा। कमलेश के पाव भाजी कोई नहीं खाता तो कोई बिना पैसे दिए भाग जाता, तो कभी वो दोनों भूत किसी को भी पाव भाजी खाने नहीं दिया करते थे। तुम्हारी ठेले पर भूत है, अब हम कभी यहाँ की पाव भाजी नहीं खाएंगे, भाग राजू। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन से मेरी एक भी पाव भाजी नहीं बिकी, मुझे तो यहाँ कोई भूत नहीं दिख रहा, पता नहीं सब क्यों डर रहे हैं। पापा, अब हमें इसके सामने आना चाहिए। तभी दोनों कमलेश के सामने आते हैं और उसे हवा में उड़ाने पटकने लगते हैं, तो घबरा कर कमलेश कहता है, कौन है, कौन है, कहीं सच में ही तो कोई भूत नहीं आ गया? अरे अरे छोड़ो 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 मुझे। क्यों, तुमने तो हमें नहीं छोड़ा था। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी हमें मारने की? एक तो हमने तुम्हें आसरा दिया और तुम मेहनत की कमाई कर खाओगे, और तुमने हमारे पेट पर लात मार दी। मेरी इसी कमाई से मेरे परिवार का खर्चा चल रहा था, तो मेरे बीवी बच्चे परिवार का खर्चा चलता था, और तुमने मेरे साथ मेरे बेटे को भी मार डाला। अब गए तुम। तुम वापस कैसे? देखो देखो, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे जान से मत मारो। तेरी माफी से तो हम जिंदा नहीं हो सकते, तो क्यों छोड़े तुझे? देखो बस मुझे एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ इसी ठेले पर पाव भाजी बेचकर जो भी पैसा आएगा उसका आधा पैसा तुम्हारे घर परिवार को भिजवा दूंगा और कभी लालच नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम मेरे परिवार को पैसे भिजवा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। इस तरह दोनों बाप बेटे कमलेश को पाव भाजी का ठेला सौंप कर चले जाते हैं। मेहनत करके कमलेश फिर से पाव भाजी बेचता है और उन पैसों को रमाकांत के घर भिजवा देता है, और कमलेश सुधर जाता है। काली साड़ी पहनने वाली सास बहू से परेशान पति। कादंबरी के बेटे प्रतीक की शादी कावेरी से होती है। सुहागरात पर जैसे ही प्रतीक कमरे में आता है तो काया को काले रंग की शॉर्ट नाइटी में देख कर उसे बड़ा शौक लगता है। क्या हुआ मेरे प्यारे पति दी? इस काली नाइटी में मैं इतनी सेक्सी लग रही हूँ क्या, जो आप मुझे देखकर शॉक हो गई हो? वो क्या है ना, कावेरी को काले रंग का बेशुमार क्रेज है। अगर मैंने कावेरी को ये कह दिया कि ये काले रंग के लिबास में चिमर की चुड़ैल लग रही है, तो ये कहीं खिसियानी बिल्ली बनकर सुहागरात को काली रात में न बदल दे, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। कावेरी को काले लिबास में सराबोर देख कर प्रतीक बेमन से बिस्तर पर जा गिरता है। अगली सुबह कावेरी काले रंग की साड़ी में सज धज कर रसोई घर का रुख करती है। अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर हॉल में आती है, जहां वनराज कहता है, अरे बहू, ये कैसा पहरावा पहना है तूने? क्यों ससुर जी, क्या कमी है मेरी साड़ी में? अरे शादीशुदा सुहागिनों के शरीर पर ये काला रंग शोभा नहीं देता, क्यों भगवान? अरे तुम तो चुप ही करो जी, अरे जब से मशहूर सिंगर काका के गाने निकले हैं, काला रंग ट्रेंड में चल रहा है। मेरी नजर से देखो, ये काले रंग की साड़ी बहू के गोरे चिट्टे तन पर कितनी उम्दा लग रही है। अरे बहू को ससुराल की सीख देने के बजाय तुम उसी के सुर में सुर मिला रही हो। वनराज गुस्से में वहाँ से उठकर तैयार होकर अपने बेटे के संग दफ्तर चल देता है। समय गुजरता है, एक सांझ वनराज कहता है, भाग्यवान ये पूरे 50,000 रुपए हैं, इसे अपने पास रख लो। कादम्बरी पैसे लॉकर में रख देती है, और अगली सुबह कादंबरी अपनी बहू कावेरी से कहती है, अरे कावेरी बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं सासुमा, मिशो ऐप पर ट्रेंडिंग काली साड़ी आई है, उसी को ऑर्डर कर रही हूँ। बहू लगे हाथ अपनी सास के लिए भी एक काले रंग की सुंदर सी साड़ी ऑर्डर कर दे,
जब से मैं ब्याह कर ससुराल के आई, मेरे काले रंग के कपड़ों पर तो तेरे बुढ़ऊ ससुर ने पाबंदी लगा दी। फिक्र मत कीजिए सासूमा, अब जब ससुर जी हम दोनों सास बहू के संगठन को एक साथ काले रंग की साड़ी पहने देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। कावेरी दो काली साड़ी ऑर्डर कर देती है। अगली सांझ जब उनके पति घर आते हैं तो सास बहू को काले रंग की साड़ी में देख स्तब्ध होकर कहते हैं, भूतनी। अरे ससुर जी सुनिए तो प्रतीक, अरे हम भूतनी नहीं बल्कि आप दोनों की पत्नियां हैं। ये सुनकर प्रतीक पानी पीते हुए कहता है, अरे काले रंग की साड़ियों तक तो चल जाता, मगर ये काले रंग की चूड़ी, काली बिंदी, काली लिपस्टिक, ये पहरावा प्रेतनी का होता है। अरे मेरी बेलबुथी औलाद, हम दोनों सास बहू मुर्दा नहीं जिंदा हैं। अपने पसंद का पहरावा क्या पहन लिया, तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए। तारीफ के दो बोल बोलने के बजाय मुंह से अंगार बरसा रहे हो। दोनों बाप बेटे के लाख चेताने के बावजूद इतनी जल्दी सास बहू के काली साड़ी पहनने का शौक कहाँ थमने वाला था। वो हर एक सप्ताह नए नए डिजाइनों की काले रंग की खूब सारी साड़ियाँ खरीद कर लाती। एक दिन, अरे प्रतीक की माँ, जल्दी से वो पैसे लाकर देना जो तुम्हें रखने को दिए थे। अजी वो सारे पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। मगर माँ इतनी बड़ी रकम आपने कहाँ खर्च कर दी। कादम्बरी की हिचक देख कर कावेरी कहती है, प्रतीक दरअसल उन्हीं 50,000 रुपए से हम सास बहू ने पिछले कुछ सप्ताह काली साड़ियों की शॉपिंग की थी। ये सुनकर दोनों बाप बेटे गुस्से से बौखला कर बोलते हैं, काली साड़ियों के पीछे तुम दोनों सास बहू बावरी होकर सुध बुध खो चुकी हो। रहने दीजिए बाबूजी, इन सास बहू को क्या खबर, हम दोनों बाप बेटे दिन रात खून पसीना बहाकर पाई पाई कमाते हैं। इन्होंने काली साड़ी के शौक में पूरे 50,000 रुपए पानी की तरह बहा दिए। अरे बस करो दोनों बाप बेटे, जितने की हम सास बहू ने काली साड़ी नहीं खरीद ली उससे बढ़कर तुम्हारे कड़वे बोल सुन रहे हैं। हर एक दिन के साथ सास बहू के काली साड़ियां पहनने का शौक बढ़ता जा रहा था। हर एक दिन सास बहू काली साड़ी के लिबास में ही लिपटी रहती। कुछ दिन बाद, अजी सुनते हो, अभी हाल फिलहाल में काले रंग की शिफॉन की साड़ी आई है, उसे पहनने के लिए मेरा मन ललचा रहा है। अरे सासुमा आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं। सुनो ससुर जी, अगर आज शाम तक हम सास बहू के लिए वो काली साड़ी नहीं आई तो हम सास बहू अनशन का आंदोलन छेड़ देंगी। इस काली साड़ी के शौक से हम बाप बेटे बेतहाशा परेशान हो चुके हैं। ये तुम दोनों सास बहू की सरासर जातियां बढ़ती जा रही हैं। रहने दे बेटा, तेरे बोल इन सास बहू के लिए कोई मायने नहीं रखते। बेचारे बेबस पति पत्नियों के काली साड़ी के पहरावे से परेशान होकर उनकी शौक को पूरा कर देते हैं। समय गुजरता चला जाता है और करवा चौथ का त्योहार आता है और कंचन कहती है, अरे कैसन बा कादम्बरी भौजाई। अरे मैं ठीक हूँ कंचन, तू बता कैसे आना हुआ, कोई खास खबर। अरे दादा, ये आप सास पतो हो सर से पाव तक काला पहरावा काहे पहनी हो, काला हार, झुमका, बिंदिया और ये नई बहुरिया के तो सवा महीना सिर्फ लाल पीला रंग ही पहने के होवत है। अरे हम दोनों सास बहू सदियों पुरानी रीत रिवायत को नहीं मानती, समझी। ओ कल करवा चौथ का कथा पूजा हमरे अंगना में होवत है तो सास बहू समय से पधार जाना। सास बहू को करवा चौथ का शुभ संदेश देकर कंचन चली जाती है। उस सांझ दोनों के पति हाथों में दो शॉपिंग बैग लिए घर आते हैं। हम तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का तोहफा लाए हैं। हम तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का तोहफा लाए हैं। दोनों सास बहू जैसे ही डिब्बे को खोलती हैं, उसमें लाल रंग की सुंदर साड़ी और साज श्रृंगार का सामान होता है। प्रतीक, यही लाल रंग की साड़ी मिली थी तुम्हें, कितनी वाहियात पसंद है तुम्हारी। आप दोनों बखूबी जानते हो कि हम सास बहू को सिर्फ काली साड़ी पहनने का शौक है, फिर भी खैर बहू हमारे कबर्ड में सैकड़ों काली साड़ियां हैं, उसी में से एक पहन लेते हैं। हम बाप बेटे अपार मन से तुम्हारे लिए ये साड़ी लाए थे, इस काली साड़ी के आगे तुम अपने पतियों की कदर भूल चुकी हो। दोनों उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अगली सांझ सास बहू सिर से पांव तक काले रंग का साज श्रृंगार करके करवा चौथ की कथा में पहुँचती है, जहाँ बूढ़ी भगवती कहती है, अरे बेड़ा गर्क हो इन सास बहू का, अरे क्या करामात है, करवा चौथ पर काले रंग का साज श्रृंगार सुहागनों को शोभा देता है क्या। अरे अम्मा, ये सास बहू काली साड़ी के शौक के पीछे बरा गई है ना, पति की ना ही परवाह है ना ही समाज की। अरे कंचन काकी, हम सास बहू काली साड़ी पहने या पीली आपको क्या परेशानी है।
अरे कादम्बरी की बहू, पुरानिये कह गए हैं शुभ अवसर पर काला रंग का पहरव भला नहीं। इसे पहले की कोई विपत्ति आन पड़े अपनी पसंद को बदलाव दो। भगवती के लाख समझाने के बावजूद भी सास बहू के सिर से काली साड़ी पहनने का शौक नहीं उतरता। करवा चौथ की कथा के बीच उन्हें अस्पताल से फोन आता है। आप दोनों के पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। सास बहू दौड़ती भागती फौरन अस्पताल पहुंचती है, जहां उनके पति बेहोश होते हैं। उस पलछिन उनके मस्तिष्क में भगवती की बात गूंज रही थी। बहू, शायद हमने करवा चौथ की रीत को सही तौर से नहीं निभाया। माँ जी, सभी औरतें सर से पांव तक सुहागन के सांचे में सजी धजी थी, वही हम आज बहु सुहागनों के बेला पर इस काली साड़ी में सराबोर थी। दोनों सास बहू भूखी प्यासी अपनी पति की जान की सलामती की प्रार्थना करती हैं। कुछ पल छिन बाद उनके पति बेहोशी से बाहर आते हैं। सास बहू की आंखों से पछतावे की फुहार बरस रही थी। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमारे शौक के चलते ही आपकी जान पर बनाई। अब से हम भावी भविष्य में कभी फिर काली साड़ी नहीं पहनेंगी। कादम्बरी बहू, बीती बातों को बिसार दो, हर बात के पीछे एक भलाई छुपी होती है, शायद इसीलिए आज हमारे साथ दुखद दुर्घटना हुई। दोनों के पति उन्हें माफ कर देते हैं। अब सास बहू के मन से सदा के लिए काली साड़ी का शौक खत्म हो जाता है और वो हंसी खुशी अपनी गृहस्थी संभालने लगती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी। अरे चलो चलो, जल्दी आराम से चलो और आवाज बिल्कुल भी मत करना। लेकिन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उस चुड़ैल ने हमें मार दिया तो हम लोग क्या करेंगे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ, और फिर एक ना एक दिन तो हमें मरना ही था, क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करके ही मरे। लेकिन भैया, हम शहर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से भी तो शुरू कर सकते हैं। अगर तू अपनी जिंदगी देखेगा तो कई जिंदगी दांव पर लग जाएंगी, इसलिए मेरी बात मान, अपने डर को बाहर निकाल और मेरे साथ चुड़ैल का सामना करने चल। आज हम दोनों चुड़ैल की दाढ़ी काट कर ही रहेंगे। ठीक है भैया, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, चलो आज उस चुड़ैल की दाढ़ी काट कर ही रहेंगे। रोहन और सोहन दोनों भाई चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे वो गुफा के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें चारों तरफ इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखकर रोहन डर से कांपने लगता है। तभी सोहन अपने भाई रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे हौसला देते हुए अंदर ले जाने लगता है। रोहन के हाथ में एक बहुत बड़ी छड़ी होती है और सोहन के हाथ में कैंची होती है। रोहन भाई, मेरे भाई, तू छड़ी से चुड़ैल को मेरे पास आने से रोक लियो, मैं चुड़ैल की सोने की दाढ़ी काट। गुफा की कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अंदर उन्हें चुड़ैल सोते हुए नजर आती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी इतनी लंबी होती है कि वो जमीन पर पड़ी होती है। तभी सोहन चुपचाप उसकी सोने की दाढ़ी काटने के लिए जाता है। जैसे वो दाढ़ी को छूता है, चुड़ैल नींद से जाग जाती है और सोहन को उठाकर पटक देती है। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गुफा में मेरी सोने की दाढ़ी काटने चला आया, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। रोहन बहुत बुरी तरह डर जाता है, जिसके बाद रोहन डर के मारे कांपने लगता है और हाथ से छड़ी को जोर से पकड़ लेता है। देखो मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें छड़ी से मार दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अरे तेरी ये छड़ी मेरी जादुई शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से रोहन के हाथ से छड़ी छीन लेती है, जिसके बाद चुड़ैल रोहन और सोहन दोनों भाइयों को उठा उठा कर पटकने लगती है। तुम जैसे लालची लोग मेरी सोने की दाढ़ी काटने आ जाते हो, मैं तुम्हें ये दाढ़ी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। जब भी कोई इस गुफा में मेरी दाढ़ी काटने आएगा, मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सोहन और रोहन को बहुत बुरी तरह पटक पटक कर मार देती है, जिसके बाद वो अपनी सोने की दाढ़ी को सहलाते हुए आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग सोहन और रोहन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ना आने पर सभी लोग आपस में बात करते हैं। अरे मेरे बेटे अभी तक नहीं आए, लगता है चुड़ैल ने उन्हें मार दिया, तुम गांव वालों की वजह से मेरे बेटे ने अपनी बलि चढ़ा दी। अरे शोभा बहन, हमें माफ कर दो, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था, हम सभी इस गांव में फंस गए हैं, कहां जाएं कुछ समझ नहीं आता। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, दवाई ना खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और कब तक हमारा गांव इस तरह भुखमरी झेलता रहेगा। वो गांव बहुत गरीब था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग भुखमरी के चलते मर रहे थे। देखते ही देखते कई लोग मर जाते हैं,
जिसके चलते गांव के कई लोग चुड़ैल की गुफा में जाते हैं और उसकी सोने की दाढ़ी काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बात की तरह चुड़ैल लोगों को मार देती है। एक दिन चुड़ैल गांव के लोगों को मारने के बाद सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये गांव के लोग मेरी सोने की दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे इस बात का पता लगाने के लिए गांव जाना होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को गांव के भुखमरी और भुखमरी के चलते लोग मरते हुए नजर आते हैं। अरे ये क्या, इस गांव के अंदर तो लोग भूखे मर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये लोग मेरी सोने की दाढ़ी को काटने आते थे। अगर ऐसा रहा तो ये गांव के सभी लोग मर जाएंगे। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चुड़ैल अपनी सोने की दाढ़ी काट कर गांव में छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद जैसे ही सवेरा होता है गांव के सभी लोगों को चुड़ैल की सोने की दाढ़ी मिल जाती है। चुड़ैल की सोने की दाढ़ी लेकर गांव वाले उसे शहर में ले जाकर बेच देते हैं, जिससे वो गांव के गरीब घरों में राशन और दाना पानी देते हैं। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल अपनी सोने की दाढ़ी काट कर गांव में फेंक देती, जिसके चलते गांव के कई गरीब घरों को खाना मिल जाता है और उसकी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। आखिरकार हम गांव वालों की परेशानियां दूर हो ही गई। भला हो चुड़ैल का जो अपनी सोने की दाढ़ी रोज काट कर गांव में डाल जाती है। अरे आज हम लोगों को उस चुड़ैल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें चुड़ैल का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए, आखिरकार उसने हमारी इतनी मदद जो की है। गांव के सभी लोग रात को चौंकने रहते हैं। जैसे ही चुड़ैल उड़ती हुई आती है तो गांव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तुम रोज रात को आती हो और हमारी मदद करती हो, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आज तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव के लोग जिंदा हैं और तरक्की कर रहे हैं, पहले की तरह सब कुछ ठीक होने लगा है। हमारे लिए ये सब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होती तो पता नहीं इस गाँव का क्या होता, ये गांव तो वीरान हुई हो जाता। चुड़ैल बहुत ही कमजोर सी लग रही होती है, उसके अंदर पहले जितनी शक्ति नहीं होती। ये सब देखकर गांव के लोग उससे पूछते हैं, क्या हुआ चुड़ैल जी, तुम इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही हो? तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ हाँ सही कहा तुमने, चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन जैसे सब चुड़ैल की शक्ति उनके बालों में होती है, ऐसे ही मेरी शक्ति इन सोने की दाढ़ी में थी। जब से मैंने अपनी दाढ़ी काटनी शुरू की है तब से ही मेरी शक्तियाँ भी कमजोर होने लगी हैं। चुड़ैल तुमने हम लोगों के लिए अपनी सारी शक्तियाँ दांव पर लगा दी, हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? तुमने तो अपनी कुर्बानी देकर हमारी मदद की है। अरे एक ना एक दिन तो वैसे भी मुझे इस चुड़ैल के रूप से छुटकारा मिलना ही था। वैसे भी मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लोगों को बहुत परेशान किया है, उन्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा तो मुझे भुगत कर जानी ही थी। जैसे ही चुड़ैल अपनी दाढ़ी काटती है उसका शरीर अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है और अचानक से वो एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद आसमान से एक आवाज आती है, तुम्हारी सजा समाप्त हुई, तुमने इन बेसहारा गरीब लोगों की मदद करके अपनी सजा खत्म कर ली है, अब तुम स्वर्ग में प्रवेश ले सकती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ती है। ये सब देखकर गांव वालों को भी बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बाद से उन गांव वालों की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।